तो फ्रेंड्स स्वागत है आपका फिर से हमारे इस चैनल में। फ्रेंड आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चन जो डिफरेंशियल इक्वेशन का है, कह रहा है क्वेश्चन डिवाइड बाय dx प्लस y बाय x इज इक्वल टू x स्क्वायर। इसको हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए सिंपल सा जो इक्वेशन दिया रहेगा उसे हम लोग लिख देंगे एज इट इज, डिवाइड बाय dx प्लस y बाय x इज इक्वल टू x स्क्वायर। ओके, ये आपका इक्वेशन वन हो गया। तो यहाँ से हमारे पास क्या आता है, वी है p का वैल्यू आपका कितना आ जाएगा, जो टर्म y के साथ रहेगा वही आपका p का वैल्यू होगा, तो 1 बाई एक्स हो जाएगा। और q का वैल्यू आपका कितना हो जाएगा, x स्क्वायर हो जाएगा। ओके, तो आपका दूसरा टर्म क्या होता है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करना। तो e का पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx यानी 1 बाई एक्स dx। ओके, तो हम जानते हैं इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई एक्स क्या होता है, log। ओके, तो e से आपका log क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर x आ जाएगा। ओके, तो सॉल्यूशन की हम बात करें ना, आपका जो सॉल्यूशन बनेगा वो y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर यानी x इज इक्वल टू q, q का आपका वैल्यू कितना है, x स्क्वायर इंटू x dx प्लस c। तो यहाँ पे y इंटू x इज इक्वल टू आपका क्या होगा, x का पावर 3 dx प्लस c हो जाएगा। और फिर यहाँ पे y इंटू x इज इक्वल टू आपका इंटीग्रेशन ऑफ x का पावर 3 क्या होगा, आपका x का पावर 4 डिवाइडेड बाई 4 प्लस सी होगा। ओके, आई होप। और यहां से अगर आप x को इधर लाएंगे तो x को ये वाला टर्म डिवाइड में हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू क्या होगा आपका, यहां से x कैंसिल हो जाएगा, तो x का पावर 3 डिवाइडेड बाई 4 प्लस सी x का पावर माइनस 1। ये आपका फाइनली आंसर हो गया। ओके, आई होप यहां तक क्लियर हुआ हो।